डीएच हंदवाड़ा को जल्द से जल्द नई बिल्डिंग में शिफ्ट करें लोग। हंदवाड़ा के निवासियों ने अधिकारियों से जिला अस्पताल को नए भवन में स्थानांतरित करने का आग्रह किया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। 6 साल बीत जाने के बाद भी 200 बिस्तरों वाले नए भवन को पूरा करने में विफल रहने पर निवासियों ने अधिकारियों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है। निवासियों ने कहा कि इस परियोजना को 2021 में पूरा होना था, लेकिन यह समय सीमा से पहले ही पूरा हो चुका है, जिससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। निवासियों ने कहा कि पुराने भवन को ध्वस्त करने के बाद नए भवन का निर्माण किया गया था, जिससे अस्पताल में केवल कुछ भवन बचे थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आवास की कमी को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि कोई भी समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगा सकता है कि अस्पताल में केवल 13 पोस्ट ऑपरेटिव बेड उपलब्ध थे। उन्होंने कहा कि यहां तक कि कैजुअल्टी वार्ड में भी प्रत्येक बिस्तर पर प्रतिदिन 2 मरीज रहते हैं और कभी कभी अधिकारियों को एक बिस्तर पर 3 मरीजों को समायोजित करना पड़ता है। एक स्थानीय ने कहा कि हम नहीं जानते कि हमारे दुख कब खत्म होंगे। हर महीने हम सुनते हैं कि अस्पताल को नई इमारत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन हर बार यह एक मजाक बनकर रह जाता है। स्थान की कमी के कारण रोगी और चिकित्सा कर्मचारी दोनों प्रभावित होते हैं, जिसके कारण अस्पताल को सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में एसोसिएट अस्पताल में बदल दिया जाता है। 24/7 ऑपरेशन थिएटर की कमी, अल्ट्रासाउंड सेवाओं की निरंतर उपलब्धता और डायलिसिस केंद्र की कमी से मरीजों की मुश्किलें और बढ़ जाती है। अज्ञात कारणों से नए 200 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल हंदवाड़ा का काम रुका हुआ है। डीडीसी रजवार मीर सुलेमान के साथ साथ स्थानीय लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा से इस पर गौर करने और अस्पताल को नए भवन में स्थानांतरित करने के संबंध में तत्काल कदम उठाने की अपील की है। सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी सेक्टर है हमारे यहाँ पे। ये भी सच है कि 2017 में जब ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे इस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद उसका ये है कि उसे डेवलप होने में टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। पिछले साल हमारा यहाँ पे मेक जो मेक शिफ्ट है मेडिकल कॉलेज, वो यहाँ पे आपको तो पता ही, बाईपास पे उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया वहां पे। तो इस साल माशाल्लाह 100 बच्चों का जो पहला बैच है वहां पे तैयार हो रहा है एमबीबीएस स्टूडेंट्स का। लेकिन सवाल ये है कि जो आलमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था यहाँ पे जो बना हुआ था, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या वो है कि नहीं, वो एक मुद्दा है। दूसरा ये कि जो वहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी थी वहां पे 66 करोड़ रुपए का जो उसके लिए बजट मुख्तस किया गया था, वो काम पिछले 2017 से लेके आज तक नामुकम्मल है। ऐसा क्यों? मैं बताऊं आपको कि पिछली दफा जब ये सारा काम मुकम्मल हुआ था, अब मैं बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार कहने से फिर उनका वैल्यू ही घट जाता है। फिर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अब ये जब जीएमसी बना है तो लोगों की अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें बढ़ गई है कि हमें यहाँ पे टर्शरी केयर मिलेगा, लेकिन वो दस्तियाब नहीं है। इसकी क्या वजह है? डॉक्टर्स का इसमें बेचारों का कोई फॉल्ट नहीं है, मैं यहाँ पे उनको मुबर्रा करता हूं। वो दूसरी जगहों पे आप इनको पकड़ भी सकते हो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पिछले साल हमने देखा कि वहां पे पाई तकमील तक वो काम पहुंचाना जो इस वक्त जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, अगर उसमें 46 लाख रुपए लगे हैं, उसमें और ज्यादा पैसों की जरूरत है ऑपरेशन बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए की। फिर ऑनरेबल एलजी साहब ने वो 9 करोड़ रुपए जो है मुख्तस करवाए वहां पे, लेकिन वो जैसे वो 9 करोड़ रुपए जो है मुख्तस करवाए वहां से, तो उसके बाद जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर थे वहां पे उसको ये काम करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने से रीटेंडरिंग करवा ली। रीटेंडरिंग के बाद क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उसके वो चले गए कोर्ट, मसला बन गया सब जुडिस। वो बोलता है कि मैंने जो काम किया है आप, ये तो काम मुझे ही करना चाहिए था इसमें जो आधा काम रह चुका है ताकि ये ऑपरेशन बने, ये कोई क्यों कर सकता है, मेरी लाइबिलिटीज भी है वगैरह। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक सफर्स, लोग सफर कर रहे हैं वहां पे। जुगाड़ करके आप जरा देखिए वहां पे गायनी, जब आप जाते हो ना गायनी वार्ड में, आप देखोगे वहां पे पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड मतलब वो ना होने के बराबर है, ओनली 10 बेड वहां पे। मतलब आप 5 से ज्यादा वुमेन्स जो है वो वहां डिलीवर नहीं कर सकती है। आप जाओगे पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड जो होता है जनरल,
एक ही है वहां पे, तो मेल फीमेल एक ही है। आप जा जाओगे जितनी भी डिपार्टमेंट्स है वहां पे, आप मतलब जगह है ये टोटली, आप जगाड़ करते, लेकिन कब तक, हाउ लॉन्ग यू कैन डू द जगाड़। मतलब ये ऐसा सेक्टर है जो आपसे टाइम जो होता है ना, आप उसको खींच नहीं सकते हैं। जिंदगी का कंपनसेशन है ही नहीं भाई, जिंदगी के साथ कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। पर ये होता है कि आपके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन जो कोर इश्यू इस वक्त है, वो कोर इश्यू ये है कि हमारे पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। 200 बेडेड यू हैव टू मेक अवेलेबल दीज 200 बेड्स, ओके। और जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जीएमसी में आते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी या आप देखिए ऑप्थमोलॉजी, गाइनी, कार्डियोलॉजी, ऑनकोलॉजी, बला बला, ये इतने सारे इनके पास आपके जनरल मेडिसिन वार्ड्स होने चाहिए, थिएटर्स होने चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स होने चाहिए, ये सारा ये कहां से कर सकते हैं? ये तभी पॉसिबल है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, एज पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उस वक्त जो बनाया था, अगर वो मुकम्मल होता है हमारा, तो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। अब जोड़ के विनती है ऑनरेबल गवर्नर सर से और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से, जिनके हायर ऑफिशियल्स है, इस मसले को दिनों में रिजॉल्व करें, ये नहीं कि महीनों में, बस दिनों में रिजॉल्व करें इसको।